अभी जो आपने ये बीट सुनी इसकी रील इंस्टाग्राम पे डली हुई है लेजेंड रिएक्ट के अकाउंट पे, तो आप जाएं वहां पर और अब तो आप इस बीट पे अपने बार स्पिट करिए और भी लोगों को शेयर करिए रील और इस बीट पर जब बहुत सारे रिमिक्स बन जाएंगे तो हम एक कंपाइलेशन वीडियो बनाएंगे। तो हमने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि नए आर्टिस्ट के लिए हमने सोचा कि एक रील बनाते हैं बीट, उस पे जितने मतलब होंगे जिनको रैप करने का मन है, मतलब जिनको लगता है कि हमें शाउट आउट देना चाहिए, तो हम सोच रहे थे कि उस पे अगर वो करेंगे तो हमें अगले इजी हो जाएगा शाउट आउट देना उनके लिए, कि ये इसका काम है और शाउट आउट टू दिस गाय, इसने ऐसा इस पे रैप कराया या अपनी बार्स ऐसे स्पिट करी है, तो वो इजी था हमारे लिए। तो अगर आपको वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। फाइनली ये हमें ऑप्शन सही लगा, बहुत ईजी एक तरीके से, इस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं हम। यस, तो लेट्स गो मैन, बनाइए उस पे रिमिक्स करिए, अपने बार्स स्पिट करिए, टैग करिए हमें, हम डालेंगे वीडियोस में, स्टार्टिंग में डाल सकते हैं और एक पूरी सेपरेट वीडियोस बना सकते हैं, 5-6-7 अगर आ जाते हैं क्या कहते हैं उसके एंट्रीज, तो हम बना देंगे पूरी एक सेपरेट वीडियो। सो लेट्स गो मैन, दिखाइए उस पे जाके अपना टैलेंट, लेट्स गो। हे व्हाट्स अप लाइक गैंग, और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऋत्विज के ट्रैक पर जिसका नाम है आजना और एल्बम है या ईपी है उसका नाम है मीमी। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही ऋत्विज एंड मतलब ऋत्विज के गाने पे तो करते ही हैं रिएक्शन, मींस क्योंकि न्यूक्लिया और वो बारात वाली जो आई थी ईपी एल्बम होने वाली थी, वो एक तरीके से पहले 8 गाने की, देन उसके सिर्फ 4 ही गिरे या 5 गिरे, मतलब बहुत कम गाने गिरे, देन उन्होंने क्विट कर दी, कह रहे आप बाद में डलेगी, तो ऐसा सीन हुआ था जिस पे हम कंटिन्यू रिएक्शन बना रहे थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं रिएक्शन, तो देखते हैं क्या वाइब होने वाली है ऋत्विज की, मतलब वाइब तो कत्ल होने वाली है इतना तो हमें पता है, तो लेट्स गो मैन, वाइब्स बहुत टाइम बाद, मतलब बारात के बाद एकदम से गायब, बस तो लेट्स गो मैन, वाइब लेते हैं इस बारी। ऋत्विज के फैंस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम रिएक्शन बना, भाई ये गंदा एक्टर है, बहुत खतरनाक है, कोटा फैक्ट्री वाला भाई। ये भी तो बहुत तगड़ी एक्ट्रेस है यार। हाँ। ओ भाई साहब ओके 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 भाई, मजा आने वाला है भाई, मजा आने वाला है, लगता है वीडियो में भी तो होता ही हमेशा हुआ है। साथ दो हमें छोड़ के, कभी भाग लो हमें भूल जाओ, मम्मी से रिलेटेड ट्रैक है, मतलब इसकी शायद मेरे को लग रहा है पूरी ईपी, क्योंकि उसमें भी कुछ वो पोस्टर भी वैसी था दूसरे वाले गाने का भी ना। हाँ। तो मम्मा से रिलेटेड ही है लगता है ब्रो ये, क्योंकि देखो उसे संभाल रही है जैसे भी उसका पूरा टाइम है, तो है ब्रो, और बहुत प्यारी भी लग रही है वीडियो मुझे, लेट्स गो, रो रहा है बेचारा परेशान है, उसका हाथों से खिला रही है पहली बार तुझसे मिले नैना, नींद नहीं आवे नहीं मिले चैना, पूरी रात करे बात जैसे तोता मैना, चमू और जैसे मोर नाचे तेरे लिए ना, हम चोरी चोरी चिपके से आए होंगे ना, तेरी कारी कारी लट उल जाए सजना, डूब जाए तेरे अंगियों में मेरी। वीडियो बहुत प्यारी है भाई। ओ भाई खुद भी वैसे बैठे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई मुझे, वो देखो टेंशन में बैठा हूँ, उसकी मम्मी आके पोज ही चेंज कर दिया, मैं मूड सही करा मैं ऐसे करके, है ना, बहुत सही वीडियो लग रही है। चुपके से आए होंगे ना, तेरी कारी कारी लट उल जाए सजना, डूब जाए तेरी अंखियों में मेरी दुनिया, कर जाए मजबूर मुझे तेरी बतिया, बुलाए न भूले तेरी मीठी मीठी बातें, जगाए रे जगे देखो सारी सारी रात, बुलाए न भूले तेरी मीठी मीठी बातें, जगाए रे जगे देखो सारी सारी रातें, ओ मेरी जान बहारा,
सुने अंबर का तारा लिरिक्स ना जब लिरिक्स जो थे वो एक तरीके से कह रहा था लिरिक्स में कि उसकी बात है मुझे सारी रात सोने नहीं देती और उसकी उधर उसकी मम्मी को जमाई आ रही थी नींद आ रही है ना ना, तो कॉन्सेप्ट बातें सुन के तेरी उसकी बातें जो गाना है वो ये लड़की की यादों में खोया पड़ा है और ये उसी की बात वो कर रहा है याद कर रहा है सब कुछ और वीडियो उस याद से निकाल के अलग ऐसा कुछ है कि वो अपनी याद में खोया हुआ हाँ ऐसा हो रहा है तो मेरी जान बहारा सुने अंबर का तारा तुम्हीं से मैं तो हारा करूं मैं क्या तू मेरी रूह सुनहरी तू तेरे साय में मैं पल जाऊं तू मेरी भू समझ ले तू तेरे साय में मैं बन जाऊं बुलाए न बुले तेरी मिठी मिठी बातें जगाए रे जगे देखो सारी सारी रात बुलाए न बुले तेरी मिठी मिठी बातें जगाए रे जगे देखो सारी सारी आज ना तुम साथ दो हमें छोड़ के कहीं भाग लो हमें भूल जाओ पास क्या तुझे तू दिखी क्या मुझे मैं दिखा क्या मुझे तू मिले क्या तुझे मैं मिला तू राशनी तो हम भी आज हैं तू रागनी तो हम पास हैं बहुत सही ऐसा मतलब गजब है ब्रो हाँ एंड में वीडियो माँ बेटे वाला रिलेशन मतलब ऐसा था कि अब मैं यहीं पर हूँ मेरा दिमाग भी यहीं पर है उस टाइम था कि मैं उधर यादों में था पहले वो सहारा दे रहा था देन फिर उसकी मम्मी का मूड खराब हुआ है जो भी हो कॉल के बाद शायद वो भी ब्रेकअप हुआ है जो भी हो मुझे नहीं पता क्या रीजन था पर उससे डिप्रेस हो गई थी देन उसने मनाया वापस मतलब इतना मनाने के बाद भी हो उसी यादों में या हाँ, तो ऐसा भी होता है बंदा कि परेशान हो जाता हाँ, है कि मैं क्या तो वैसा मेरे को सीन लगा हाँ, मतलब ये तो नहीं हो रहा ये तो कहाँ चला गया है बंदे को क्या मतलब मैं गया? हेल्प नहीं कर पा रही एक तरीके से हाँ कि मैंने वही इतने करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही तो वाला सीन भी हाँ ये वाला भी हो सकता है मेरे को कॉल से लगा हाँ रोशन वाला ज्यादा मेरे को लग रहा है फिर और वो खुश हो गई तो बाकी वो है भी खुश कि हो भाई गई वो खुश हो गया तो उसकी माँ भी खुश हो गई ओके गाना मैम पूरा यही लग रहा था कि वो उसकी यादों में खोया हुआ वही बातें बता रहा है कि उसकी याद बातें ये रागनी वागनी सब कुछ जो भी है मतलब लिरिक्स बहुत प्यारे हैं मतलब इंडियन फील आ रही भाई मतलब रेवोल्यूशन है नहीं हो चुका है मतलब एक तरीके से पर हर गाने के साथ ना वो रेवोल्यूशन और बढ़ता जा रहा है ऋतुज ना मतलब बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा इंडियन वाइब आती है हद से ज्यादा इंडियन वाइब आती है बिल्कुल बहुत ज्यादा इंडियन वाइब है जो जैसे कि हनी सिंह का ब्रेकअप पार्टी है वो एक कॉन्सेप्ट लिया गया है शायद ही वैसा होता होगा आधे दुख वरना रियल में तो ज्यादातर चांसेस ही गए हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है हाँ, ये बात रोशन ने सही बोली सही में भाई तो ये उस चीज पे ज्यादा इसलिए ज्यादा लग रहा है कि ये इंडियन चीज इंडियन मतलब यही तो होना है घर पे यही तो होना है कुल मिला के बहुत रियल है एंड रिलेटेबल है बहुत ज्यादा और बहुत सही कोई है और मतलब अपना कॉन्सेप्ट नया लग रहा है बंदे का हाँ यार मतलब क्या यार मतलब इस बंदे की तारीफ करना बहुत मतलब परफेक्ट है ब्रो परफेक्ट बन रहा है बहुत मतलब गाने एक तो यूनिक है ना इसका स्टाइल ही नहीं अलग है हाँ और उसमें भी ऐसा है कि मतलब बहुत ही खतरनाक मतलब फील हिट करता है हर गाने से अगर वीडियो नहीं भी होती तो भी बहुत अच्छा हिट करता पर वीडियो की वजह से वो और ज्यादा इमोशनल कनेक्शन हो गया बिल्कुल तब सिर्फ वही समझ आता पर कि वो यादों में खोया क्योंकि आगे देख नहीं पाती फिर वो हाँ रोल नहीं तो दिखता
हाँ इसमें दो स्टोरी है एक हाँ, इसमें मम्मी का रोल दिख रहा है, उसमें नहीं दिखता मम्मी का रोल, हाँ किसी दिखता तो पता नहीं, पर हाँ पर इतना क्लियर विजन नहीं होता जितना अभी है, क्योंकि हाँ बहुत सही करा भाई ऋतविज ने, मतलब लेजेंड ब्रो, मैं तो लेजेंड ही कहूंगा भाई, बहुत बहुत सही है वो, लेट्स गो मैन, वाइब दे दी भाई। अगर दूसरे ट्रैक पे जो है मजबूर, क्या नाम है उस गाने का, मशहूर, क्या नाम है जो वेट से, महफूज, महफूज महफूज ट्रैक का अगर रिएक्शन करना है तो बता दीजिए ना कमेंट सेक्शन में, हम करेंगे भाई, मतलब बिल्कुल, कुछ लेट्स गो मैन, लेट्स गो, कुछ बोलना नहीं है, रिएक्ट अगर उस पर रिएक्शन करना है तो प्लीज वीडियो कमेंट आने सेक्शन में वाली है बता। तो फिर वीडियो पे बनाएंगे, हाँ यहाँ ये बता अगर देना नहीं तो बस, फिर हाँ लिरिक्स वाली वीडियो पे बना लेंगे हाँ कोई। लेट्स गो मैन, किसी को नॉलेज है कि पता है कि उसकी वीडियो आने वाली, तो हम बता देना कमेंट सेक्शन में, हम रुक जाएंगे उसके लिए, वरना अगर बिल्कुल आपको उस पे चाहिए लिरिकल पे तो लिरिकल पे भी बना देंगे, सो लेट्स गो, कोई बात ही नहीं है, यस बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ट्रैक, ब्यूटीफुल, मतलब प्लेलिस्ट में जाने वाला जो सुनेगा इतना अच्छा ट्रैक है, लेट्स गो बिल्कुल। रोशन सर। बाकी आपको कैसा लगा हमारा हाँ रिएक्शन वो जी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर यस, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।